गंगा एक ऐसी धरती है, महात्माओं ने तो उसकी बड़ाई प्रशंसा की ही है, लेकिन देवता भी अयोध्या की बड़ाई करते करते थकते नहीं है। आप पूरी दुनिया घूम के आ जाना, अवध नहीं गए तो कहीं नहीं गए, ऐसी अवध जो प्रलय में भी कभी समाप्त नहीं होती है। जहां कभी किसी का अवध नहीं हुआ ऐसी अयोध्या, जहां कभी कोई युद्ध नहीं ऐसी अयोध्या। राजा राम अवध रज धानी, गावत गुण सुर मुनि वरवानी। देवता और महात्मा जिसकी शिष्टता के गुणों का वर्णन करते हैं, ऐसी अवध की माटी को हम और आप वंदन करते हैं। आप रामचरित सुन रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि परिवार भरने के लिए पाप मत करो, परिवार का पेट भरने के लिए पाप मत करो, अपराध मत करो। प्रभु राम जी का संदेश है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपराध पाप है वो कुटुंब भरण पोषण के लिए करता है। लिख लिया। राजा राम अवध रज राजधानी, गावत गुण सुर मुनि वरवानी। मेरे प्रभु श्री राम जी का एक एक संदेश बड़ा अद्भुत है। जो परिवार का पेट भरने के लिए पाप करते हैं, पाप का धन कमाते हैं, ऐसे लोगों को अंध तामिश्र नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। जीव को बड़ा कष्ट होता है। एक श्लोक बोल रहा हूं। केवलेन यधर्मेन कुटुंब भरणो सुकां, याति जीवो अंधतामिश्रम चरमं तमशापदम। बहुत प्यारी बात कही है। केवलेन यधर्मेण, यही धर्म नहीं है कि परिवार का पेट भरने के लिए उल्टी पुल्टी सौगंधें खा करके, अन्याय और अपराध करके, रिश्वत ले करके और उनका पेट भरे। राम जी तो कहते हैं कि भूखे प्राण छोड़ दो, पाप की कमाई मत खाओ। और राम जी के इन्हीं शब्दों का विस्तार गुरु नानक देव ने पंजाब की माटी से बहुत किया। व्यक्ति ज्यादा तरह से परिवार के लिए अपराध करता है, स्वयं के लिए नहीं, अपराध के लिए, क्योंकि उन्हें वो इंद्र बनाना चाहता है। सोचता है कि इनको इतना कमा करके दे दूं कि बाद में इनको ना कमाना पड़े। अरे उन्हें संस्कार दीजिए।